दोस्तों, मैंने आप सभी से कहा था कि OKX और बाइनेंस पे यानी कुछ एक्सचेंजेस पे ये जल्द ही लिस्ट हो सकता है। लिस्टिंग का अपडेट आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं किया है, वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे $10 तक का फंड रखना है। और ये फंड आपको कहाँ रखना है? आपको अपने मेटामास्क में रखना है, ठीक है। मेटामास्क इससे कनेक्ट है। तो इनकी लिस्टिंग की अपडेट आ चुकी है। और देखिए, बाद में क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये पक्का है कि जिन लोगों का यहाँ पे वेरीफाई होगा एयरड्रॉप, उनको मिलने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो आप अपना वेरीफाई कर लीजिए, $10 तक का यहाँ पे फंड रखिए और ये फंड आप अपने मेटामास्क में रखेंगे, ठीक है। मेटामास्क इससे कनेक्ट है। अब आपको लिस्टिंग का जो अपडेट है वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे अगर आपने पर डे क्लेम नहीं किया है तो आप पर डे XP क्लेम करते रहिए। जितने ज़्यादा आपके पास XP होंगे उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे प्रॉफिट आप यहाँ पे एयरड्रॉप का ले पाएंगे, ठीक है। समय में आप देख सकते हैं 1,61,000 के समथिंग इनके फॉलोअर हैं। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इनको किस किस ने फॉलो कर रखा है, देखिए आप, पॉप ने इनको फॉलो कर रखा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये स्कैम हो सकता है, देखिए पॉप ने इनको फॉलो कर रखा है, ड्रॉय एक्सचेंज ने इनको फॉलो कर रखा है, कार्बन ब्राउजर, आप खुद ही जानते हैं कार्बन ब्राउजर कितना बड़ा है, इनका खुद का क्रिप्टो कॉइन आ चुका है मार्केट में, इन्होंने फॉलो कर रखा है, बूफ लैब्स ने इनको फॉलो कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो कर रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रस्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको और दिखा देता हूँ, पैंकक स्वैप कितना बड़ा है, पैंकक स्वैप ने इनको फॉलो कर रखा है, कॉइन गीगो ने इनको फॉलो कर रखा है, डेक्स टूल्स ने इनको फॉलो कर रखा है। और बताइए ट्रस्ट कहां पे आप करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमने फंड अपने मेटामास्क में रखा, कहीं ये भाग गया तो। और मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देखिए यहाँ पे चेंज फाइनेंस ने इनको फॉलो कर रखा है। तो आपको ट्रस्ट करना है, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये। अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो अनाउंसमेंट आया है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत सारे अपडेट्स मैं अभी कवर करूंगा इनको एक एक करके, अभी आपको दिखाता हूँ वीडियोज में क्या कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो शेयर की गई है, लिस्टिंग इज कमिंग बिफोर January 27th। यहाँ पे आप देखेंगे January 27th बताई गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो इनके द्वारा डिटेल दी गई है। ये वीडियो है, ये आपको कॉइन दिख रहा है सामने, यही इनका कॉइन है। कॉइन की कीमत अच्छी खासी आप देख सकते हैं, ½ USDT से ऊपर जाएगी। ये तो पक्का है कि ½ USDT से कुछ ही समय में ऊपर चली जाएगी, बाद में कितनी जाएगी ऊपर ये मैं नहीं बता सकता आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला ही यहाँ पे ट्वीट किया गया है ये वाला, आप देखेंगे डेफी लिस्टिंग अनाउंसमेंट बी हैड ओवर हेलमिंग पब्लिक सेल दैट नाउ ऑफिशियली क्लोज। यानी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने जो पब्लिक सेल रखी थी आप सभी के लिए वो क्लोज कर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे द नेक्स्ट स्टेप लिस्टिंग, यानी अब जो आगे का हमारा स्टेप है वो लिस्टिंग का है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि OKX तो कन्फर्म है, बाइबिट कन्फर्म है, कूकॉइन कन्फर्म है, और ऐसे जो छोटे मोटे एक्सचेंज हैं ये तो कन्फर्म है कि इन पे लिस्टिंग होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखिए थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो इनके द्वारा कुछ यूजर्स की जानकारी दी गई है। ओवर 3 मिलियन न्यू यूनिक यूजर हैव ज्वाइन डेफी प्लेटफॉर्म इन न्यू फ्यू लास्ट मंथ एंड बी है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 3 मिलियन न्यू यूजर कुछ ही समय में हमारे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। यानी आप सभी जानते हैं कि इनके कितने यूजर्स अभी हो चुके होंगे। और कहा जा रहा है कि ये जो डेफी प्लेटफॉर्म है, अब हमने इसको आगे लिस्टिंग का पूरा 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 प्लान बना लिया है। अभी आप देखेंगे तो ये वाला जो ट्वीट है इसमें कुछ जानकारी दी गई है, वी आर इन एन एक्टिव डिस्कशन विथ मोर चेंज एंड मार्केट मेकर्स टू इंश्योर ग्रांट फॉर सक्सेसफुल लिस्टिंग कैंपेन दैट विल टेक प्लेस बिफोर January 27th। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 27 जनवरी से पहले हम एक यहाँ पे, यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि अनाउंसमेंट करेंगे, और ये अनाउंसमेंट 27 जनवरी से पहले किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट होगा लिस्टिंग का। और थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवर द कोर्स 2023 ब्रोकन मल्टीपल वर्ल्ड वेब 3 रिकॉर्ड्स इनोवेट अक्रॉस मल्टीपल। तो ये सारी कुछ जो अपडेट्स दिए गए हैं ये तो इनके प्लेटफॉर्म के बारे में बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं API के वगैरह के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं जो लिस्टिंग का अपडेट है वो आपको 27 जनवरी से पहले देखने को मिलेगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा। और जो एक्सचेंज है उनके साथ तो आप मान सकते हैं कि पक्का कन्फर्म है, बाइनेंस का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है Tier 1 के जो एक्सचेंज है ये कन्फर्म है कि इन पे ये लिस्ट पहली ही बार में सारे पे हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि इनकी जो यहाँ पे पहली प्रीसेल रखी गई थी वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। तो इसका मींस है कि सीधे सीधे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आपको, जब सेंट्रलाइज पे होगा लिस्टिंग तभी ये डिसेंट्रलाइज पे भी लिस्टिंग होगा। OKX का जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखा देता हूं, ये आप देख लीजिए मैसिव प्रोग्रेस रिकैप। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको देखने को मिल जाता है, लॉन्च न्यू सोशल बजट एंड मिग्रेट
टू न्यू एक्स हैंडल डेफी होस्टेड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बाइनेंस एंड अदर। तो देखिए इनके साथ जो इंटरव्यू हुआ था ये बाइनेंस का आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे ज्वाइंट OKX ट्विटर स्पेस अबाउट डेफी टोकन, तो ये आपको देखने को मिल जाता है OKX का। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जितने ज्यादा एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक ही टर्म्स कंडीशन है कि आप अपना जो हैंडल है उसको वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के लिए आपको $10 का मिनिमम फंड यानी 10 से ऊपर का आपको फंड रखना है आपको अपने वॉलेट में। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने यहाँ पे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने $10 तक का यहाँ पे फंड रखा है, उनके स्नैपशॉट लिए जाएंगे यानी उनका जो एक्सपी है उसका स्नैपशॉट लिया जाएगा, और बाद में उन्हीं लोगों को वेरीफाई करके हो सकता है कि इनकी टर्म्स कंडीशंस आए उन्हीं को एयरड्रॉप प्रोवाइड किया जाए ओनली। लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हम डिपॉजिट करें तो करें कैसे। देखिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप डिपॉजिट करें। हाँ, आपका अगर मेटामास्क सिक्योर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर मेटामास्क सिक्योर नहीं है तो मत कीजिए। तो देखिए डिपॉजिट का जो प्रोसेस होता है सिंपल तरीके से हम इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको ये मिल जाता है मेटामास्क का हैंडल ये वाला, ठीक है। इसी पे एक्सटेंशन पे हम क्लिक करेंगे, इस एक्सटेंशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं आपका मेटामास्क ओपन हो जाएगा और सिंपल तरीके से आपका वॉलेट शो होना यहां पे शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है अकाउंट आप सभी का। अभी मेरे इसमें कितना इथेरियम पड़ा है 0.62 का पड़ा हुआ है, और मेरा एक हैंडल नहीं दो हैंडल ऑलरेडी वेरीफाइड है। ये मेरा तीसरा हैंडल है, इसको भी मैं आज यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा क्योंकि मुझे $10 का फंड मिनिमम यहाँ पे रखना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी फंड है वो आप सेंड भी कर सकते हैं जब आप चाहें इसको यूज के, इसका जहाँ भी आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे रखना ही रखना है, मतलब ये है कि मिनिमम $10 का आपका यहाँ पे रहना चाहिए अगर आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो जब आप चाहे यहां से सिंपल तरीके से जो भी आपके कॉइन्स हैं वो आप अपने यहां पे सेंड कर सकते हैं और ले जा सकते हैं, कोई यहां पे आपको रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास आप देखेंगे 33,000 एक्सपी है, किसी के पास 28,000 एक्सपी है, किसी के पास 27,000 एक्सपी है, और मेरे पास अभी इस हैंडल में 940 है और एक अकाउंट में मेरा 3,000 से ऊपर है, एक अकाउंट में मेरा 2,000 से ऊपर है। तो इस तरीके से मैंने एक्सपी यहाँ पे अर्न कर रखा है। देखिए ये एयरड्रॉप्स हैं, इनमें जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको ही प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि ये अर्ली एडॉप्टर यहाँ पे एयरड्रॉप्स होते हैं। अब आप सभी के इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है क्वेरीज यहाँ पे बता सकते हैं। स्पीड में फ्लाई इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। किसी दर टॉपिक पर फिर आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।